अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज दिलपल्ली म्यूनसिपालिटी वीआरएस पार्टी वर्किंग कमेटी के मेंबर आप हमारे वाइस प्रेसिडेंट बदर साहब, परवेज साहब, बरकत भाई, अली मंसूरी साहब, सलीम भाई, साले वाकसीर साहब, हम सब लोग, अज्जू भाई, हम सब लोग यहाँ एराउंडा चौराहा पर आए हुए हैं। ये जो एराकुंटे की जो रोड है, श्रीसलम हाईवे, ये पिछले एक साल से खस्ता हालत में थी। यहाँ पर एक साल में कई एक्सीडेंट हुए और रोज़ाना ट्रैफिक जाम की वजह से आवाम को बहुत तकलीफ हो रही थी। इसकी नुमाइंदगी यहाँ के महेश्वरम के एमएलए सविता इंदा रेड्डी जी ने कई बार आरएनबी को भी कंप्लेंट किया, कलेक्टर साहब को भी इसके बारे में इसकी नॉलेज में लाया। आज सविता इंदा रेड्डी मैडम ने म्यूनसिपल कमिश्नर को हिदायत दी के इस रोड के काम का टेंडर किया जाए और जंगी सतह पर 8 दिन के अंदर इस काम को मुकम्मल किया जाए। इंशाल्लाह 8 दिन के अंदर ये काम मुकम्मल किया जाएगा। इस बारे में मुसलसिल मीडिया में, उर्दू मीडिया में, तेलुगु मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में भी बार बार इसके बारे में आ रहा था। हम मीडिया ब्रदरान का भी इस मौके पर शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस प्रॉब्लम को आला अहदेदारों तक लेकर गया, जिसके नतीजे में आज ये काम पूरा होने जा रहा है। हम सविता इंदर रेड्डी मैडम का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इस काम की खासी सी खसूसी दिलचस्पी लेकर जंगी सतह पर यह काम करने की हिदायत आज म्यूनसिपल कमिश्नर को दी गई। आज टेंडर भी हो गया है, इंशाल्लाह 8 दिन के अंदर ये काम पूरा हो जाएगा। हम इस मौके पर वादा करने वाली उस जमात को भी एक जो है ना एक संदेश देना चाह रहे हैं कि आप हुकूमत में आने से पहले कई दावे करें कि मुस्लिम माइनॉरिटी इलाका जलपल्ली को हम डेवलपमेंट करेंगे, इसके लिए खुसूसी फंड्स लाएंगे। यही कहकर आप लोगों ने एमपी इलेक्शन में यहाँ के मुसलमान को बहला कर वोट लिया। आज 6 महीने हो गए, आपका कोई नुमाइंदा यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। जो पैसे, जो फंड्स सविता इंदर रेड्डी मैडम ने वीआरएस के दौरे इख्तदार में सैंक्शन करवाए थे, आज वो 50 करोड़ रुपए को भी ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने वापस ले लिया है। हम कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि ये दिलपल्ली म्यूनसिपालिटी जो 90% माइनॉरिटी इलाका है, यहाँ के लोगों को बुनियादी सहूलतें नहीं है, रोड ड्रेनेज जैसे प्रॉब्लम से यहाँ के लोग दो चार हो रहे हैं। आए दिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ के बस्तियों में गंदे पानी बह रहे हैं, रोडों की सहूलत नहीं है। कांग्रेस गवर्नमेंट को चाहिए था कि 50 करोड़ से और 50 करोड़ मिलाकर 100 करोड़ रुपए जलपल्ली म्यूनसिपालिटी को देते, लेकिन ये तासुबियाना हुकूमत, ये रेवंत रेड्डी साहब जो अपने आप को मुसलमानों का खैरखा बताते हैं, दरअसल ये आरएसएस की छड्डी पहने हुए हैं। हम अगर आपको मुसलमानों से हमदर्दी है, जलपल्ली म्यूनसिपालिटी से हमदर्दी है, तो जो पैसे, जो फंड 50 करोड़ रुपए जो केसीआर के दौर में सैंक्शन हुआ था, हम डिमांड कर रहे हैं उसको 50 को और 50 मिलाकर 100 करोड़ रुपए सैंक्शन किए जाए। हम यहाँ के कांग्रेस पार्टी के लीडर्स जो डेवलपमेंट बोल के कांग्रेस पार्टी में गए, उनसे भी सवाल कर रहे हैं। जो हमारी पार्टी के भी कुछ गद्दार कांग्रेस पार्टी में गए, डेवलपमेंट के नाम पर गए, हम उनसे भी सवाल कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे, क्या गधे के दांत बांझ रहे क्या आप? आपको यहाँ की आवाम की तकलीफ नज़र नहीं आ रही क्या? आप लोगों का अगर ईमानदारी है, कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को अगर ईमानदारी है, यहाँ के लोगों से मोहब्बत है, तो आप लोग जो पैसे, जो फंड 50 करोड़ रुपए बीआरएस हुकूमत में मैडम सविता इंदर रेड्डी ने सैंक्शन करवाया था, उसको और 50 करोड़ रुपए मिलाकर लाइए, हम तब जाके आप लोगों को मानेंगे। वरना आप लोग जो है सविता इंदर रेड्डी से, बीआरएस पार्टी से माफ़ी मांगिए। ये कहते हुए मैं खुदा हाफिज़ करता हूँ।